नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हरप्पन सिविलाइजेशन का नेक्स्ट पॉइंट, जो हम देखेंगे सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। इनका प्रयोग हम देखते हैं व्यापार के दौरान यूज किया जाता था, जिसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं सील। सील क्या होती थी, किसकी बनी होती थी, साइज कैसा होता था, इन पे क्या पिक्चराइजेशन या कौन से पिक्चर्स और साइन बने हुए होते थे, ये सारी चीज हम अभी इस टॉपिक के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सो देखते हैं। सील स्टेटाइड स्टोन की बनी हुई होती थी, जिसे हम सेल खड़ी नामक पत्थर भी बोलते हैं। इनका आकार वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार जैसे बहुत सारे आकार हुआ होते थे। किनके? सील्स के। ओके, सो अब देखते हैं इनका प्रयोग कहां लाया जाता था। इनको हम लंबी दूरी के व्यापार में प्रयोग करते थे। कौन? हम मींस हड़प्पाई निवासी। ओके, इसमें हम देखते हैं जब किसी बैग के अंदर कोई सामान या वस्तु भर के उसको उसके मुंह पर गीली मिट्टी लगा के और उनके ऊपर चार पांच सील लगाकर उनको मुंह को बांध दिया जाता था और उनको भेज दिया जाता था उनके गंतव्य स्थान पर। अगर कोई व्यक्ति उस बैग को खोलने का प्रयास करेगा तो वहाँ पर उनको वो सील्स अलग होते हुए दिखाई देगी, उससे अलग मिट्टी, गीली मिट्टी से। तो उससे ये लगेगा कि वो कोई ना कोई किसी व्यक्ति ने गलत मंशा से उस बैग को खोलने का प्रयास किया गया। ऐसा हम किसी भी और उन सील्स के नीचे जो भेजने वाली संस्था होता था या सेंडर होता था, जो भी भेजने वाला व्यक्ति या संस्था होती थी, उसके बारे में भी डिटेल लिखी होती थी, जैसा हम किसी इंस्टीट्यूशन की सील के आधार पर भी देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें हड़प्पाई सील से प्राप्त होती है, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। किनके द्वारा? हड़प्पाई वासियों के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अमोंग द वेरियस आर्टिकल्स डिस्कवर्ड एज अ इंडस वैली, सील्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द पजलिंग। मोर देन द 200 वेरियस सील्स ऑफ वेरियस साइज एंड शेप हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशंस एंड दीज आर द लिटिल पीसेज ऑफ द सॉफ्ट स्टोन। कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों पे, और कुल बात करें तो पूरी सभ्यता के बारे में बात करें तो हिस्टोरियन को और जो खुदाई करने वाले जो हमारे पुरातत्वविद थे, उन्हें 2000 के ऊपर सील के प्रमाण मिले हैं, जो अलग अलग आकार की, अलग अलग शेप की थी। कहां पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। ओके, द स्क्रिप्ट विच वॉज इनग्रेव्ड ऑन सील्स में बी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। जो सील के ऊपर जो पिक्चर्स वगैरह बनी होती थी और जो स्क्रिप्ट थी, वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी। कहां की? हड़प्पा की। कहां की? हड़प्पा की। अब और आगे बढ़ते हैं। अराउंड 375 to 400 डिस्टिंक्ट इंडस सिंबल्स हैव बीन फाउंड ऑन द सील्स स्मॉल टैबलेट्स एंड सेरेमिक पॉट्स। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेरेमिक पॉट्स हो, ऑर्नामेंट्स हो, टूल्स हो, उन पर भी हमें बहुत सारे पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स में बहुत सारे 375 to 400 साइंस हमें मिलते हैं। कहाँ पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पा के अंदर हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट पिक्टोरियल है और इनके पैरेलल जो सभ्यता है, जो मेसोपोटामियन सभ्यता है, क्लास 11th में हमने पढ़ा, वहाँ की स्क्रिप्ट है क्यूनिफॉर्म। तो हमको देखने को मिलता है, जिसे हम क्यूनिफॉर्म मींस किलाक्सर लिपि भी बोलते हैं। तो हम एक दूसरे की जो स्क्रिप्ट अलग अलग है, लेकिन जब व्यापार के यहाँ पर एक दूसरे की जो सील्स मिली है, उनसे हम एक दूसरे के मध्य व्यापार के संबंध को दर्शाती है। ओके, ये सील और स्क्रिप्ट ही ये चीजें बता पाती है। हमने यहां पर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि यहां पर पशुपति शिव के बारे में एक सील पर दिखाया गया है, जिसमें उनके एक साइड में टाइगर भी देखेंगे, एलिफेंट भी देखेंगे, राइनो भी देखेंगे और वृषभ भी देखेंगे। उनके नीचे आप देखेंगे कि वहां डियर मतलब हिरन भी दिखाई देंगे, दो हिरन दिखाई देंगे। तो ये सब जो पिक्टोरियल और कुछ साइन आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देंगे, ये सब प्रयास हड़प्पा वासियों के द्वारा किया गया। तो इससे वहाँ पर उनके धर्म के बारे में, उनके वहाँ पर जो जानवर थे उनसे फैमिलियर के बारे में, किन किन जानवरों को जानते थे, किन से वो पर्सनली जैसे पालतू पशुओं के रूप में रखते थे, ये सारी जानकारी हमें ये सील ही प्रदान करती है। किसके? हड़प्पा वासियों के द्वारा बनाई हुई, जिसमें देखते हैं
अर्थ एट हरप्पा शोन द फिगर ऑफ ए मैड गोड वियरिंग ए हॉर्न हेड ड्रेस एंड थ्री फेसेस. ओके सो ही इज सिटिंग अक्रॉस लेग्ड ऑन अ थ्रोन एंड इज सराउंडेड बाय एनिमल्स सच एज राइनो बफेलो एंड एलिफेंट एंड अ टाइगर एंड थ्री and there are two deer shown under the throne. Okay, so इन सब चीज़ों को हमको देख इन ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. यहाँ पर जॉन मार्शल इन्हें प्रोटो शिवा नाम देते हैं. किनको? इन व्यक्ति को जो भी थे ये उनको जॉन मार्शल जो हिस्टोरियन रहे हैं और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI रहे हैं उन्होंने इसको प्रोटो शिवा नाम दिया है. ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है RS और IS की एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि प्रोटो शिवा नाम किसने दिया था. जॉन मार्शल ने, याद रखिएगा. सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक बुल दिखाई देगा. कुछ पिक्चर्स इनके ऊपर भी दिखाई साइन वगैरह भी दिखाई देंगे. ऐसी भी हमें सील हड़प्पा से प्राप्त हुई है. नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर आपको ये एक सिंग वाला राइनो टाइप का आपको दिखाई देगा जिसमें हम देखेंगे दीज सील्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली शोन एन ऑक्स लाइक ए बीस्ट सीमिंगली विद ए सिंगल हॉर्न. दीज सील्स टेक अस बैक टू अ वेरी अर्ली एज व्हेन ह्यूमन इमेजिनेशंस हैड प्रोड्यूस्ड सेवरल क्रिएशंस ऑफ फैंटेसी इन द शेप ऑफ एन एनिमल. शायद ये उनकी कल्पना के अकॉर्डिंग ही रहा होगा जो वो ऐसी इमेजिनरी पिक्चर्स भी बनाते होंगे या उनसे जानवरों से वो फैमिलियर थे. कौन? हड़प्पा वासी. ओके इनका आपको मैं पहले ही प्रयोग बता चुका हूँ कि इनका किससे संबंध होता था, कैसे होता था, इम्पोर्टेंस क्या होता था. साथ में हम स्क्रिप्ट के बारे में भी साथ में बात करते चलते हैं कि हड़प्पा के अंदर हमें सबसे बड़े अभिलेख के अंदर 26 साइन का जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में लिखा हुआ अभिलेख मिला है. इसके अलावा यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो साइन हमें मिले हैं 375 से 400 के मध्य मिले हैं जिसमें बहुत सारे जानवर जो जिनसे हड़प्पा वासी फैमिलियर थे वो भी हमें यहाँ पर मिलते हैं. कहाँ पर? हड़प्पा के अंदर. जैसे आप देखेंगे एलिफेंट, राइनो, डियर, टाइगर, ऐसे बहुत सारे जैसे वृषभ, जैसे भी आपको बहुत सारे जानवर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो किस पे अंकित थे? स्क्रिप्ट में वो यूज़ किए जाते थे. शायद ऐसा भी अनुमान लगाया गया है जो हड़प्पाई वासी जो इलिटरेट थे वो उनकी पहचान उन सिंबल्स को देख के कर पाते होंगे. किसकी पहचान? सील्स की. तो ऐसा हिस्टोरियन बोलते हैं, मैं नहीं. ओके सो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का मेजर वेट्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. उससे पहले आप थोड़ा सा और देखिए कि हड़प्पा में जो मोस्टली लोग लिटरेट मतलब एजुकेटेड या वो साक्षर थे इसका प्रमाण हमें यहाँ की स्क्रिप्ट से मिलता है जो सील्स पे फ्रिक्वेंटली यूज की जा रही है. ओके सो अब ये देखते हैं कि यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी कहाँ की? हड़प्पा की. तो उसमें आपने देखा था अभी 26 सबसे मैक्सिमम साइन मिले हैं एक अभिलेख पे. इसके अलावा 375 से लेकर 400 तक हमको साइन इन पे मिले हैं. इसके अलावा ये भी देखना है कि जो हड़प्पा के अंदर जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी कैसे जाती थी. भाई अभी जो वर्तमान हम लिखते हैं देवनागरी लिपि वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट. तो हड़प्पा वासी कैसे लिखते हैं वो भी क्लियर करते हैं. उनका जो लिखने का तरीका था लेफ्ट टू राइट, वो कैसे लिखते थे? लेफ्ट टू राइट मतलब इस किससे? इस साइड से, दाएं हाथ से स्टार्ट कर बाएं की ओर आना, यहां से इस साइड लिखते थे. लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. अब इसका पता हम कैसे लगाते हैं? जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा, यहां कैपिटल लिखा, ओके राम, तो वो सेप निकल कर आया इसका. सॉरी ये सेप हम ऐसे देखते हैं, ये सेप निकल कर आता है, ठीक है. लेकिन अब जब हम स्क्रिप्ट को हड़प्पा वासियों की देखते हैं तो इसके उल्टे सेप निकल कर आती है.
तो इसका मतलब ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पावासी जो लिखने का उनका पैटर्न था वो लेफ्ट टू राइट रहा होगा अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा है वेट एंड मेजरमेंट। हड़प्पावासी दूर स्थलों से इनका बहुत ज्यादा संबंध था और व्यापार में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे, उस वजह से इनके पास जो मापने तोलने का सबसे अच्छा मेजरमेंट था। ये चर्ट नामक स्टोन को सुई बनाए हुए वेट्स का प्रयोग करते थे। चर्ट एक सॉफ्ट स्टोन ही होता है जिसको ये यूज करते थे वेट वगैरह बनाने में, जिसमें अलग अलग टाइप के क्यूबिक साइज के इनके वेट हुआ करते थे, लेकिन उनकी शेप अलग अलग हुआ करती थी, छोटे बड़े। तो इसमें हम यहाँ दिखाया, हिस्टोरियन ने ये बताया है कि जो छोटे आकार के जितने भी वेट थे उनको शायद ये ज्वेलरी वगैरह ऑर्नामेंट्स का वेट या मेजरमेंट करने में यूज करते थे, कौन? हड़प्पा वासी। ओके, और बाकी तो हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा इनके यहाँ जो मेजरमेंट करने में आप दशमलव पद्धति को भी, जिसे डेसिमल भी यूज किया जाता था, जिसे हम देखेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे इनका जो एक से दूसरा, दूसरे से डबल, एकदम डबल होता हुआ दिखेगा। तो ये प्रणाली हड़प्पावासी सबसे ज्यादा यूज करते थे। अब लास्ट में, हालांकि ऐसा हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आरएस और आईएस में और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव में भी ये सारे क्वेश्चंस यहाँ के मेजरमेंट के बारे में पूछे गए हैं। इसके सील्स के बारे में, किसकी बनी हुई होती थी, स्क्रिप्ट में क्या होता था, या स्टोन किस वेट्स किसके बने हुए थे, या इनके मापने की प्रणाली कैसी होती थी, ये आईएस आरएस से लेकर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जब भी पढ़ते वक्त ये ध्यान रखें कि ये जो मेजरमेंट हैं इनको अच्छे से देखें। ओके, आज का टॉपिक हमारा यही था, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और बाकी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि COVID-19 के ड्यूरेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को का विस्तार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। ओके, नमस्कार, थैंक यू।